जय श्री कृष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होप आप सबकी रक्षाबंधन की, रक्षा की तैयारियां और जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी मेरी तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं क्योंकि आ, मुझे तो जन्माष्टमी को लेके बहुत क्रेज है और रक्षाबंधन में भी मैं राखियाँ वगैरह और राखी की थाल वगैरह सजाना बहुत पसंद करती हूँ मैंने अभी एक थाल तो पिछले ही साल तैयार की थी और एक मैंने अभी ये बनाई है कुछ राखियाँ भी बनाई हैं और अभी लड्डू गोपाल जी के लिए जो ड्रेसेस थी वो मैंने वृंदावन से ऑर्डर की हुई हैं अब वो कब तक आएंगी नहीं पता लेकिन फिलहाल मैं उनके लिए पगड़ी बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई कलर की पगड़ी है मगर व्हाइट कलर की पगड़ी नहीं है और इतफाक से मेरे पास नेट पड़ा हुआ है तो चलते हैं फिर पगड़ी को बनाने के लिए हम पहले इसका बेस तैयार करेंगे और बेस तैयार होता है किसी मोटे पेपर या फिर कार्डबोर्ड से जो थोड़ा सा लचीला हो क्योंकि इसको हमें गोल फोल्ड करना होता है अब इस कार्डबोर्ड को मैं रेक्टेंगुलर शेप यानी कि आयताकार शेप में कट कर लूँगी और इसको कट करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स होते हैं इस किनारे इसको मैं थोड़ा सा घुमावदार कट करूँगी इससे ये होगा ना कि पगड़ी के जो आगे आ, माथे के पास जो लड्डू गोपाल के जो माथे के पास तिलक वगैरह लगता है तो उसके लिए एक कट तैयार हो जाता है तो इसको अब हम फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के लिए आप इसको लड्डू गोपाल जो आपके पास है उनके सर पे इसको रख कर नाप सकते हैं और तब इसको फोल्ड देखिए ये मैंने अपने छोटे वाले जो लड्डू गोपाल थे उनके हेड से नाप लिया और अब इसको गोल करके मैं यहाँ पे इसको स्टेपल पिन कर दे रही हूँ जिससे कि ये खुलेगा अब पगड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें थोड़े से पोर्शन में हम पेपर को थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे कट करने के बाद इसको जो है हम अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं इसलिए हम इसके छोटे छोटे कट्स बना देंगे देखिए मैं कैसे बना रही हूँ देखिए इसमें मैंने कट्स बना लिए हैं अब इनको मैं ऊपर से पहले बाहर की तरफ फोल्ड करूंगी जिसमें कि इसमें फोल्डिंग लाइन बन जाए उसके बाद जब मैं इसको बाहर की तरफ अच्छे से फैला लूंगी तब इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूं अब जब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूंगी तो ये कैप के जो तो ऊपर का हिस्से का है वो हिस्सा है वो बंद हो जाएगा अब हम इसको जो है सील भी करेंगे पहले पेपर से दो सर्कल कट कर करके एक अंदर से और एक बाहर से चिपकाएंगे पगड़ी के सर्कल के साइज के मैं इसमें ये दो स्क्वायर कट किए हैं अब मैं इसको गोल करूंगी जो पगड़ी के ही सर्कल के साइज का होगा इसमें से एक सर्कल को मैं पगड़ी के हेड के जो ऊपर जो मैंने कट बनाया है उस पर चिपका दूंगी और दूसरा अंदर की तरफ चिपकाऊंगी जिससे कि फोल्डिंग्स जो है वो पूरी तरह से स्टिक हो जाए पगड़ी जो सर्कल मैंने कट किए थे उसका एक सर्कल मैंने पगड़ी के अंदर के हिस्से में स्टिक कर दिया और जो दूसरा सर्कल था वो मैंने पगड़ी के ऊपर इस तरह से मैं स्टिक करूंगी अब दोनों सर्कल्स को अंदर बाहर स्टिक करके क्योंकि ये ग्लू के साथ है इतनी दिल चिपकेगा नहीं तो थोड़ी देर इसको मैं सपोर्ट करूंगी आप चाहें तो इसकी जगह पे ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो जल्दी सूखता है या फिर फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी से बना रही हूँ जब तक कि ये दोनों सर्कल सूखेंगे तब तक मैं इसको पकड़ के तो बैठ नहीं सकती तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि इसको सपोर्ट के लिए ऊपर से एक सेलो टेप लगा रही हूँ जिससे कि ये थोड़ी देर सूखेगा पगड़ी बिल्कुल सूख चुकी है अब मैं इसके टेप को मैंने रिमूव कर दिया है मेरे पास ये पुराना नेट पड़ा हुआ था वाइट कलर का अगर आपको याद हो तो मैंने इससे बास्केट बनाई थी लड्डू गोपाल की अब इसी नेट को मैं पगड़ी के चारों तरफ इस तरह से चिपका के पूरे में रोटेट करके चिपका दूंगी ये देखिए मैंने पूरी पगड़ी में जो है नेट को रोटेट कर दिया है मैंने दो पगड़ी बनाई है एक छोटे लड्डू गोपाल के लिए एक बड़े लड्डू गोपाल के लिए तो ये जो नेट है मैंने आपको बड़े लड्डू गोपाल और छोटे लड्डू गोपाल दोनों के ही पगड़ी में चारों तरफ राउंड करके चिपका के दिखाया है आप इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से चिपकाया है पगड़ी को मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है अब बस मुझे इसका बनाना है ऊपर का फेदर ये कैसे बनेगा थोड़ी सी पतली सी पट्टी का नेट मैं कट कर रही हूं इसको कट करने के बाद मैं इसमें प्लेट्स बना के इसको रोटेट करूंगी और फिर रोटेट करने के बाद ये फेदर की तरह बन जाएगा ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जब हम इसको प्लेट्स बना के इस तरह से नीचे से पकड़ेंगे अब ये जो फेदर मैंने तैयार किया है इसको नीचे से मैं ज्वाइंट कर दूंगी चाहे तो सिल के चाहे तो ग्लू लगा के मैंने बताया कि ये ग्लू इतनी तेज़ असर नहीं करता है तो आपको ग्लूगन या फिर कोई कुकर इस्तेमाल कर, करना होगा तो मैंने यहाँ पे स्टेपलर कर दिया है इसको क्योंकि मेरे पास अभी ग्लू गन नहीं है अब इसके नीचे के टिप को मैं पगड़ी के जस्ट सामने ऊपर की तरफ एकदम आगे की तरफ पहले इसके नीचे की टिप को इसको अच्छी तरीके से स्टिक कर दूंगी ठीक है अभी जब ये स्टिक हो जाएगा फिर उसके बाद इसके फैदर के जो आ, किनारे हैं किनारे का सबसे ऊपर का पोर्शन पकड़ के मैं उसको खींच के नीचे की तरफ उसको दूसरी तरफ स्टिक कर दूंगी दोनों तरफ स्टिक करने के बाद ये जो फैदर है पूरा स्टाइल में पगड़ी पे फैला ये देखिए मेरी दोनों ही पगड़ियों के फैदर अच्छे से स्टिक हो गए हैं और मेरी पगड़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कितनी सुंदर लग रही है देखिए थोड़ा बहुत अगर आप अपने हाथों से बनाएंगे तो कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी क्योंकि सबका हाथ अलग अलग होता है और जब आप एक बार इसको बना लेंगे ना तो फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे अब इसके बाद क्या करना है कि इसको डेकोरेट करना है तो मैं जा रही हूँ इसको डेकोरेट करने अपने तरीके से वो भी आप अपने तरीके से कर सकते हो उसमें कोई बंदिश नहीं है लीजिए मेरा डेकोरेशन पूरा हो गया है मैंने इसमें जो मेरे पास नग की लर बची हुई थी मैंने उसको पहले टिप पे लगाया है और मेरे पास जो प्लास्टिक के नग थे उसको मैंने जगह जगह पे स्पॉट पे चिपका दिया है वैसे तो मेरे पास सजाने के लिए डेकोरेट करने के लिए कोई और चीज़ें नहीं थी आँ... और मैंने खरीदना ज़रूरी भी नहीं समझा आप भी अपने घर में पड़ी चीज़ों से इस तरह से चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं तो अब मैं जा रही हूँ इनको अपने बाल गोपालों को पहनाने फिर बताइएगा कि ये कैसी लग रही हैं ये लीजिए मेरे गोपाल दोनों ही पगड़ी पहन चुके हैं कितने सुंदर लग रहे हैं अभी इस तरीके से पगड़ी आप भी बनाना ट्राई करिए बहुत इजी मेथड है और अपना ध्यान रखिए हरे कृष्णा